हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हूँ मैं जिम में, और एक सेकंड रुको, और एक बंदे से मिलवाता हूँ आपको। दोस्त वोस्त तो कह रहा है नहीं मेरा, वो ऐसे ही बस साथ में टाइम पास। सारी एक्सरसाइज मैं कराता हूँ इसे गाइस। जब भी हमें वो कहते हैं ना लेग्स करेंगे, तो मैं इनको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, वो है ये ओके वन लाइक फिर मिलाएंगे पापा फिर मिलाएंगे। बाकी गाइस देखते हैं जिम में क्या करूंगा मैं। कल मैंने इग्नोर कर मैंने गाइस, इनको बोल दो ये अमन भाई को, अमन नाम है इनका, ठीक है, इनको बोल दो कभी भी चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज में आ जाए इनसे ज्यादा वेट मारूंगा। ये 9:30 बजे आता है गाइस, और मैं आता हूँ 8:30 ज्यादा से ज्यादा। बहुत ज्यादा जल्दी आ गए, तो ये सोता रहता है मुझसे बोलता है फोन करके उठा दीजिए ना भाई। अरे यार इग्नोर मारो, छोड़ो दोस्त, ये ऐसी है बस बंदा। देखो तमीज तमीज देख लो इनकी, देखो केले खा के यहीं खिड़की में छोड़ दी। तेरी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। अब ये क्या कर रहा है ये तो बता दो गाइस। ये बहुत दिन से मुझसे कह रहा है कि ऐप्स दिलवा दो, ऐप्स खरीदवा दो, तो आप लोग रेट लगाओ, कितने रेट में दिलवाऊं इसे, खुद बना लूंगा गाइस रूम में। जी हाँ, नकली बंदा है, वेट वेट नहीं करता है इनसे। बस एक ही चीज होती है लैक्स, बस। चलो गाइस वैसे आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, लैक्स मारना गलत बात है हफ्ते में दो बार, प्लीज जरूर बताना। नहीं मैं बताऊं गलत बात क्या है, इनके साथ एक्सरसाइज करना। आओ नीचे चल रहे हैं। चलो भाई हमारे ट्रेनर से मिल लो इस चीज के बारे में। हाय हेलो तो करो पहले। ये हमारे ट्रेनर है, आप इनकी बॉडी देख सकते हो। सॉरी माय ऑल बॉडी। अरे बस एक बार बताओ मेरे को, हफ्ते में 3 दिन क्यों लेग्स करता है यार? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज है खराब? 3 दिन दो दिन तो कर सकते हो। तो गाइस इसका चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, आपकी अपर लोअर बॉडी, इसका चैनल आपकी अपर बॉडी भी, इसका चैनल अनसब्सक्राइब, अनलाइक और रिपोर्ट कर देना प्लीज गाइस। ये इनके चैनल पे करवाएंगे, इनका भी चैनल है, पता नहीं वीडियो तो डालते नहीं। हाँ तो गाइस अब मैं लेग्स कर रहा हूँ, हो सकता है एक दो वीडियो मेरी डाल दे ये लेग्स की, देखते रहना। इससे ट्यून क्या 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 बोला? इससे ट्यून ट्यून टू बी कंटिन्यूड बोल दे, इतना तो मैं भी सीख गया हूँ, ब्लॉग बना के आज वीडियो दिखा दे भाई, वीडियो बना जो मैं दिखा दूँ। इनका कोई नहीं है, हमारी टक्कर का हमारी ऐसे ही है सब। तो गाइस जैसे कि अभी अर्जुन आपसे कह रहा था कि लेग्स नहीं मारने चाहिए, ये वो ट्रेनर से पूछवा रहा था, अभी आपको दिखाता हूँ क्या कर रहा है। क्या हो गया अर्जुन भाई? आप तो लेग्स मारने लगे अभी, आप लेग्स ये नहीं होना चाहिए, 2 दिन नहीं मारने चाहिए, क्या हो गया अब? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप? देखिए गाइस ये आपको गुमराह कर रहा है, तो इसके बाद में बिल्कुल मत आना चैनल को, अभी अनसब्सक्राइब मार दो सारे लोग। टूट गया और कर लो लेग्स। अबे एक्स मशीनें तोड़ के आया हूँ, मशीनें तोड़ कर आता हूँ, खुद नहीं टूटता। मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ ना, हाँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ मैं, बहुत 2-3 घंटे एक्सरसाइज कर लूंगा, मशीनों की फटती है, मेरी नहीं फटती भाई। तो चेस्ट में आ जाओ ना फिर, चेस्ट में भी मैं जितना मारता हूँ। अरे अंकल गए, अंकल देख के चले जाओ, सुबह सुबह लगा लीजिए अंकल ने। नहीं नहीं देख के अंकल वो मुड़ रहा है, स्लो मोशन में चल रहे हैं अंकल, अंकल मेरे को लग रहा है स्लो मोशन में अंकल की गर्दन मुड़ रही है। तो गाइस देख लो, 2 टाइप का लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हो, या तो सुबह सुबह पी लो, या तो मशीनें तोड़ लो, या तो भाई फिर एक्सरसाइज कर लो दम से। सही बात है। तो भाई आज तो मजा आ गया भाई। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, वो भी फ्री 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 फ्री, क्योंकि शाहरुख खान भाई के चाचा का लड़का है। उसके बाद सैंडविच ये मुझे खिलाएगा फ्री फ्री फ्री, ख्यालों में, और बिना एडिट के डलेगा सैंडविच वाली लाइन। इसका चेहरा ऐसा हो गया था, पिंकी पिंकी पोंकी। और हम फ्री में जा रहे हैं मूवी देखने, अभी तैयार होता हूँ फटाफट, या दाढ़ी सेट करा लूंगा थोड़ा सा, अभी टाइम नहीं है, 11:30 हो गए, फटाफट मिलो खाना वाना कुछ खा के। चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भी लेके आनी पड़ेगी, ये बड़ा है, 30 रुपए का तो तेल लग जाएगा भाई, ब्लॉग खत्म हो गई। नहीं एक और आए भैया, एक और आए, ये आए भाई, ये एक्सरसाइज इनको करती है, एक्सरसाइज को नहीं करते हैं कुछ तो कर रहा है भाई। और ये हमारा भाई कौन से कॉलेज में? जाकिर हुसैन में भाई, ये इसने भी चिल्लाया था पाकिस्तान मुर्दाबाद। गाइस हो गया हूँ मैं रेडी, अब चल रहे हैं फटाफट मूवी देखने, और शायद 12:30 बजे का शो है। ओ भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो 15 मिनट ऊपर ही होगा,
फटाफट चलते हैं। चलो मम्मी बाय, जा रहा हूँ मैं। तो गाइस लुक देख लो बंदों के, फुल रेड टेप की क्या कहते हैं चप्पलें शूज वगैरह, और बियर्ड देख लो एक बार फुल सेट करा के। बता दो तो भाई ये क्यों करवाया। फ्री की मूवी है। और उसके बाद सैंडविच भी है, वो मत भूलना ब्रैकेट में। ये तो लोग बहुत ज्यादा हाई होप्स लगा लेते हैं ना मेरे से, फिर मुझे तोड़ने में बड़ा मजा आता है। हाई होप्स लगाइए, टूटने भी नहीं दूंगा। पर एक चीज पता है पूरे उसमें आपके आउटफिट में क्या अच्छी लग रही है, ये सॉक्स वेरी नाइस। अभी लिंक भेज दूंगा तुझे, डिस्क्रिप्शन में डाल दियो लिंक भाई। नाइस। और ये देखो एंटॉर्क इनकी, ये रही मेरी एंटॉर्क, यहाँ का वही आया है भाई, ये इसलिए सर लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे फोन लगा के तो, लोकेशन बदल। हाँ तो ठीक है, बट फिर वो क्यों नहीं आया? ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास पैसे ही इतने थे। नाइस। ये रही मेरी स्कूटी, अपनी स्कूटी दे देना उसको, मेरी स्कूटी पे चलेंगे। नहीं भाई, क्यों भाई, तू मेरी स्कूटी पे बैठ के चल। भाई मैं अपनी स्कूटी नहीं देता किसी को। तेरे दे दियो तू, कोई दिक्कत नहीं है यार। कल ही मेरे को कह रहे थे मैं अपनी स्कूटी किसी को देता नहीं यार। अबे तुझे दे दूंगा, तू चला ले किसी। नहीं मेरे को अपनी स्कूटी चला लेना भाई। क्या अपनी स्कूटी कल चला लियो भाई? भाई मैं स्कूटी चलाता हूँ प्यार से। गाइस अमीरी देखो इसे कहते हैं, देखो फ्यूल बार कभी फुल कभी डाउन, कभी फुल कभी डाउन। भाई जब कोई दोस्त आ जाए स्कूटी मांगने, हाँ। तो भाई खाली है, एम्प्टी आ जाती है अपने आप। और जब मैं खुद चलाता हूँ तो फ्यूल फुल रहता है। वेरी नाइस। ये मेरे को भी कराना अपनी स्कूटी पे। ये सिर्फ और सिर्फ महंगी स्कूटी होता है, तेरी सस्ती है। अच्छा आपसे महंगी वाली है। देख लो गाइस अपनी स्कूटी दिया मैंने दोस्त को, इन्होंने अपनी स्कूटी शेयर करी। यहाँ पे ऐसे चलती है स्कूटी, जैसे अभी यहाँ सामने से निकल रहे हैं, दे दो बस बिना ब्रेक के। कितनी भीड़ होगा, कोई आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, यहाँ पे देख, यहाँ पे लाफिंग मिलते हैं, यहाँ पे खाएंगे अपन लाफिंग के। ये रही दुकान, लाफिंग मिलते हैं भाई। भाई एक नंबर, खाया तूने लाफिंग? नहीं कोई खिलाता तो खा लूंगा। पता क्या खाई हो मैं, तुझसे पेट खराब हो जाता है। सही नहीं है वो, वरना खाऊंगा तो अकेले खा लूंगा भाई। अकेले आके ना, अकेले खा लेगा तो भी पेट खराब होगा क्योंकि कोई ना कोई कोस रहा होगा घर पे। समझ बात को। अच्छा जी, गलत दोस्ती कर ली एक इंसान से मैंने, आपकी भी बात नहीं कर रहा। चलो चलो वही तो कह रहा हूँ, मैंने भी गलत बंदे को पकड़ लिया है। पूरी एक्सरसाइज कराओ, सब कराओ, पता नहीं क्या हो रहा है मुझसे। तो गाइस तेरी टिकटें फ्री में मिली हैं, और फ्री में इस बाइक के बदौलत मिली है। नहीं स्टार्ट हुई यार, 10-15 अरे अभी तो टाइम लगेगा, 2 मिनट। 10 रुपए खर्च किए हैं, क्यों झूठ बोल रहा है पब्लिक को? किसने करे, आपने? भाई जितने भी किए हैं एटलीस्ट किए तो हैं। हां भाई गाइस इससे मिल लो, नाम बताओ अपना। दिव्यांशु। और आपको फ्री टिकटें कहां से मिली वाले बताओ भाई। ये बात ये हुई कि जो डंकी मूवी में यूनिट में एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, मेरा दोस्त था। अच्छा चलो 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 चलो। तो गाइस ये आ गए हम थिएटर, और देखो भाई अंदर पॉपकॉर्न होते हैं महंगे। पहले अपना मन भर लेते हैं 10-10 रुपए का खा के। अकेले अकेले खा रहा भाई। हेलो गाइस मूवी स्टार्ट हो रखी है और हम गलत जगह आ गए, अभी पूरा भाग के आगे पीछे जाना पड़ेगा। हम ये वाली स्टेयर समझ के जा रहे थे लेकिन ये नीचे आ रही, ऊपर नहीं आ रही, और स्टार्ट हो चुकी है मूवी। लौट के बुद्धू घर को आए, स्टेयर से जा रहे थे हम, स्टेयर समझ नहीं है यहां। तो गाइस हमारी हवाबाजी निकल गई, फिर से लिफ्ट में बैठना पड़ रहा है। यहां पे भी रुक गया रास्ते में, नहीं मूवी देखने जाओ, बट सबसे पहले वॉशरूम हो जाओ। इसमें जाना लड़की वाले में? तुम जाओ। हैं? अबे वॉशरूम, वॉशरूम का नाम यही है वॉशरूम। वॉशरूम तो बड़ा लग्जरियस बना रखा। G3G4 हो गई है मूवी स्टार्ट। मर गई क्या? नहीं बोर हो रही थी दादी, घुमाने ले जा रहे हैं। उसके लिए दे दो। तो गाइस इंटरवल हो चुका है और भैया से मिल लो, हेलो कर दो। हेलो, आप एक बार बता दो आपका क्या रोल था। हम ना एज एन एडी थे, बैकग्राउंड डायरेक्शन करते थे वहाँ पे। ठीक है। और हम सारी चीज़ें सेट करते थे, तब जाके पहले हम रिहर्सल करते थे, फिर उसके बाद सर को बताते थे, तब वो सारी चीज़ें फिर करते थे। ठीक है। बाकी भाई इंटरवल तक देख लिया, मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया काम करा आप लोगों ने। थैंक यू। बाकी अभी देखते हैं, अभी आइएगा देखने और बताइएगा कैसी है। हाँ बहुत अच्छी लगी अभी इंटरवल तक, बाकी पूरा रिव्यू दूंगा आपको। जी चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। अरे यार इनको फोटो खिंचवानी है, विराट कोहली देख लो। क्रिकेट से ही है। हाँ क्रिकेट से सीखी है। राजकुमार हिरानी को तो जानता हूँ यार, उसका कल फोन आ रहा है।
ये बंदा हवाबाज है बहुत ज्यादा। क्या कह रहा है, फोटो खींच तू? भाई बाकी ये दिव्यांशु है, इसने पूरा सरप्राइज ही दे दिया। सारी कास्ट के बंदे इधर ही आ रखे हैं, हमें दिख रहे हैं इनकी मूवी के सारे लोग यहीं आसपास बैठे हैं। सब पहचान जाओ यार हमें। बस शाहरुख खान नहीं है, शाहरुख खान और विक्की कौशल नहीं है, और अरे विक्की कौशल को और तापसी पन्नू नहीं है, बाकी उनके अलावा मतलब ऑलमोस्ट सारी कास्ट थी। हम भी है, विक्की कौशल का तो वो हो गया यार, मर गया वो तो। अब पता नहीं, मैं जाता रहा हूँ। ये देखो विराट कोहली जा रहा हूँ, क्या करने जाओ गाइस। ये देख लो, ये गाइस वो जगह है जहाँ पे लूटा जाता है, जहाँ से हमारा दूर दूर तक कोई नहीं आता। हम लोग कुछ खाते नहीं है, सिर्फ देख के वापस आ जाते हैं। आ जाओ, यहाँ से खुशबू लेते हैं और आ जाओ। चलो भाई, हो गए वी स्मेल एंड वी गो। तो गाइस ये देख लो गाइस, हमारी सीट सीट अलग से बनी है विकलांग कोटे की। ये देखो एकदम अलग से गाइस, विकलांग कोटे की सीट है हमारी। बैठ दो फिर, ये तो पबजी खेल रहा है, स्नाइपिंग कर रहे हो। AWM अबे हाँ ओमी है भाई। पूरा स्क्वाड मार दिया, और बल्ली बड़ा आदमी बन गया, और पुतला लग गया उसका लंदन में। आ देखो कल्चर बाजी। A few moments later ये देख लो, कुछ लोगों को मूवी देखने आए लेकिन ऑफिस का काम कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के मजे यही ले रहे हैं। तो गाइस अब आ चुका हूँ मैं घर, और आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ मूवी का कि मूवी कैसी है। देखो मैं पहले अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि देखो मेरे को तो मूवी बहुत प्यारी लगी। उसमें कहीं ना कहीं यही बताया गया है कि जो लोग बाहर जाते हैं काम करते हैं, इतना इजी भी नहीं होता उनके लिए, सब लोग इसीलिए जाते हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन इस मूवी में ना ये रियलिटी दिखा रखी है कि वहाँ पर जाके लोग उधर क्या कहते हैं बाथरूम साफ कर रहे होते हैं, जोकर बन रहे होते हैं सड़कों में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं। तो वही है कि यार इससे बेटर है अपने इंडिया में रहो, इंडिया में अपना कोई बिजनेस कर लो, कहीं पे कोई जॉब कर लो। बाकी गाइस मेरे को तो मूवी बहुत प्यारी लगी, जाओ आपकी फैमिली के साथ जाके देखने वाली मूवी है। मतलब गाइस ये दिखाया वो जो लड़की थी उसका क्या कहते हैं मन्नू जिसका नाम था, उसका घर गिरवी पड़ा हुआ था, तो उसको पाने के लिए उसने पूरी लाइफ टाइम अपनी बाहर जाके मेहनत करी, फिर वापस आई तो उसी घर में उसकी डेथ हो गई। तो वही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उस मूवी में कि आपको ना एक वो क्या कहते हैं लाइफ में मोटिवेशन मिलेगी कि वो कुछ करो, अपना अच्छा लाइफ में करो, अपनी संगत अच्छी पालो, क्योंकि संगत का ना बहुत बड़ा खेल होता है आपकी लाइफ में। अच्छी संगत रखो, अच्छे दोस्त पालो, ऐसे दोस्त पालो जो आपको लाइफ में मोटिवेट करे, ऐसे नहीं जो डीमोटिवेट करे। बाकी मिल लो मम्मी से। हेलो, फिल्म तो देखा है लेकिन फिल्म में वही होता है ना कि बाहर तो कहते हैं लोग साडा मुंडा बाहर है, हैं बाहर चली है, लेकिन बाहर जाके वो क्या कर रहे हैं जरा ये भी तो देखो ना। यहाँ से कोई पढ़ लिख के अफसर थोड़ी ना बन के जा रहे हैं, वहाँ जाके बेचारे टॉयलेट साफ करते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में नौकरी कर रहे होते हैं, तो मतलब ऐसी है। वही है बेसिकली, वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं और सबको पैसे कमाने हैं, सब पे कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती हैं, तो इससे बेटर वही है अपना इंडिया में रह के कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसी जॉब करे। क्यों, क्या कहना चाहते हो? बाहर पैसे ज़्यादा है लेकिन उसी हिसाब से खर्चे भी तो हैं, और यहाँ इंडिया में एक रुपए में भी रोटी खा सकता बंदा। कहाँ पे भाई? आशा, ये अभी उसने नहीं खोली गौतम गंभीर। अच्छा हाँ गाइस, मेरे एरिया में एक रुपए की रोटी खाना मिलता है, पूरा खाली मिलती है पूरी बढ़िया। और यार पता है क्या, देखो बेसिकली ना वही बातें आती है कि बाहर खर्चा बहुत होता है, आप पूरी जिंदगी कमाओगे फिर अपने घर वालों को दोगे और उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, फिर क्या कहते हैं तुम्हें 10-10 साल वहां से आने का टाइम नहीं मिलता, फिर आओगे तो ऐसी भी जिंदगी क्या जीनी है जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं जी सकते। बाहर आते हैं वहां से या इलाज करवाने। मतलब मेरे को तो यही लगता है, इससे बढ़िया अपना इंडिया में रहो, मेहनत करो, बिजनेस करो, कहीं पे नौकरी करो, धीरे धीरे तुम ग्रो होगे। बाकी फैमिली का साथ होता है ना तो बंदा दो रोटी भी खा लेता है, वहां पे जाके तुम पिज्जा खाओ सब खाओ, पर अकेले खाने में सुख दुख में कोई तुम्हारे साथ ना हो तो क्या फायदा। तो गाइस यही था इस व्लॉग में, मिलते हैं हम सबसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। मूवी बहुत अच्छी है, जाओ जाके देख कर आओ, अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, और बाय बाय।